वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके कुछ रोज बाद ही अमेरिका ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत की थी। लेकिन अब इस मिलिट्री ड्रिल में उसने अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरियस ट्रूमैन को भूमध्य सागर में उतार दिया। असल में अमेरिका ऐसा करके रूस को यह दिखाना चाहता है कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। हालांकि वो पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहा उसका सैन्य अभ्यास रूस को यही बताने की कोशिश है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरियस ट्रूमैन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते दिखाई दिए। यही नहीं, जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान उतरते भी नजर आए। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई खतरनाक मिसाइलें भी तैनात हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामोनिशान मिटाने की ताकत रखती हैं। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बख्तरबंद गाड़ी पर मिसाइल गिरती दिखी। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें मैदान में एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी नजर आई, वहीं हवा को चीरती एक मिसाइल उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। बताया गया कि ये मिसाइल यूक्रेन ने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर 4 किलोमीटर दूर से दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल जैसे ही सटीक निशाने पर गिरी, धमाके के साथ तेज रोशनी निकली। विस्फोट इतना जोरदार था कि बख्तरबंद गाड़ी के परखचे उड़ गए। वहीं जिस मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन की सेना ने हमले का दावा किया, उससे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को चंद सेकंड में ध्वस्त किया जा सकता है। यही नहीं, इसके जरिए 5 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को भी तबाह किया जा सकता है। उधर यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस के मीडिया ने दुनिया को दहलाने वाली एक बड़ी धमकी दे दी। वहां के सरकारी मीडिया के प्रमुख ने इशारों में परमाणु हमले की चेतावनी दी और उन्होंने दावा किया कि या तो रूस यूक्रेन के साथ चल रही जंग को जीतेगा या फिर युद्ध का अंत पूरी मानवता के लिए एक बड़े खतरे के साथ होगा। उनकी इस धमकी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन से जंग नहीं जीत पाने पर रूस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन से हार की दशा में पुतिन के पास परमाणु हमले के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा, और एक बार रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होने से रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन पर परमाणु हमले का सीधा मतलब होगा नेटो पर परमाणु बम का वार। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा नेटो देशों की तरफ से यूक्रेन को ऐसे आधुनिक और घातक हथियारों की मदद मिल रही है जिसने रूस की सेना की नाक में दम कर रखा। यही वजह है कि रूस यूक्रेन से ज्यादा पश्चिमी देशों को दुश्मन मान रहा है। और माना जा रहा है कि रूस की परमाणु हमले की धमकी यूक्रेन से ज्यादा उसकी मदद कर रहे पश्चिमी देशों के लिए है, क्योंकि रूस का दावा है कि पश्चिमी देश भले ही एक साथ मिलकर उसके खिलाफ जंग लड़ें, लेकिन अंत में जीत पुतिन की ही होगी। और कहा जा रहा है कि इस जीत के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, परमाणु बम से हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन के साथ 3 महीने लंबी खिंच गई जंग ने पुतिन की नहीं उनके बेहद खास लोगों की भी खींच बढ़ा दी है। वो किसी भी तरह पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद करने से रोकना चाहते हैं। यही वजह है कि रूस की तरफ से आए दिन परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। कुछ रोज पहले ही रूस की स्पेस एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने भी दुनिया को डरा देने वाली चेतावनी दी थी और दावा किया था कि यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ आधे घंटे में पश्चिमी देशों को बर्बाद कर देने की भी धमकी दी थी। और रोगोजिन की बार बार दी जाने वाली धमकी के पीछे है उनकी बेहद खतरनाक सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल, वो मिसाइल जो दुनिया के कई देशों का नामोनिशान तक मिटा सकती है। कुछ रोज पहले ही इसका परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल की ताकत दिखाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें परीक्षण की जगह पर 26 फीट गहरा गड्ढा दिखाई दिया, जबकि इस दौरान उसमें परमाणु बम भी नहीं लगाए गए थे। यानी परमाणु बम लगाए जाने के बाद इससे मचने वाली तबाही का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास जल्द ही ऐसी 50 मिसाइलें होंगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस की तरफ से बार बार तबाही मचा देने वाले परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। इस बीच खबर है कि रूस एक ऐसी ताकतवर न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका में तबाही मचा देगी और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि दावा है कि रूस ने अपनी ये मिसाइल डिजाइन ही ऐसे की कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। यहां तक कि ब्रिटेन भी इस रूस की इस मिसाइल की जद में होगा। और तो और दावा तो यहां तक है कि रूस अपनी इस नई क्रूज मिसाइल को तैयार करने के काफी करीब पहुंच चुका है
और वो उसे कई बार अपने उत्तर में बैरेंट्स सागर में टेस्ट भी कर चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट ये कहती हैं कि रूस 2019 से इस परमाणु क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, जिनमें कम से कम एक टेस्ट तो बुरी तरह फेल हो गया था और उस वजह से रूस के 5 कर्मचारियों की मौत तक हो गई थी। लेकिन फिर भी रूस के तेवर नरम नहीं पड़े और वो अपनी मिसाइल तैयार करने में लगा रहा। और फिर पिछले साल अगस्त में अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें हाथ लगी जिनसे पता चला कि रूस अपनी नई क्रूज मिसाइल के एक और टेस्ट की तैयारी में लगा है। और दावा है कि रूस ये मिसाइल बेहद खतरनाक है, क्योंकि लेकिन सिर्फ उसके दुश्मनों के लिए ही नहीं बल्कि रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि ये मिसाइल इतनी भयानक है कि इसका महज एक टेस्ट भी इंसानों के वजूद के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसी वजह से अमेरिका में रूस की इस मिसाइल को फ्लाइंग चेर्नोबिल यानी उड़ती चेर्नोबिल कहा जा रहा है। उड़ती चेर्नोबिल इसलिए क्योंकि 1986 में तब के सोवियत संघ और आज के यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में अब तक का सबसे खतरनाक परमाणु हादसा हुआ था। और रूस की नई क्रूज मिसाइल परमाणु ऊर्जा से ही चलेगी, जिसके लिए उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा है। अब परेशानी यह है कि रूस की मिसाइल लो फ्लाइंग यानी कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट का मानना है कि रूस का यह नया हथियार जब टेस्ट होगा तो ऐसा भयानक रेडिएशन छोड़ेगा कि बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि पुतिन को इस बात की कोई परवाह नहीं, बल्कि उन्होंने तो रूस के इंजीनियरों को जल्द से जल्द इस मिसाइल को तैयार करने का ऑर्डर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस की इस क्रूज मिसाइल में लगा न्यूक्लियर रिएक्टर उसे ऐसी ताकत दे सकता है जो कि इससे पहले कभी किसी क्रूज मिसाइल में नहीं रही। दावा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण रूस की क्रूज मिसाइल की रेंज लगभग अनलिमिटेड होगी, मतलब कि उसका कोई दायरा ही नहीं होगा, कोई सीमा ही नहीं होगी। वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपे रूस के दुश्मन को मार गिरा सकेगी। होता क्या है कि ज्यादातर परमाणु क्रूज मिसाइलें अपने ईंधन की खपत को बचाने के लिए न ज्यादा ऊंचाई पर उठती हैं न ज्यादा नीचे, उनका ऑल्टीट्यूड मीडियम होता है और इसी वजह से उनकी रेंज की एक सीमा होती। और तो और मीडियम ऑल्टीट्यूड के कारण क्रूज मिसाइलों को रेडार ट्रैक कर लेते हैं और डिफेंस सिस्टम उन्हें ढेर कर देते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस की नई क्रूज मिसाइल का न्यूक्लियर प्रोपल्शन उसे एक ऐसा हथियार बना देगा जिसकी काट ही मौजूद नहीं होगी, क्योंकि रूस की मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ेगी। बताया गया कि वो महज 150 से 300 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ेगी। और तो और वो हाइपरसोनिक मतलब आवाज की रफ्तार से कम से कम 5 गुना तेज स्पीड पकड़ सकेगी, यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड। और अपनी इन ताकतों की वजह से रूस की नई क्रूज मिसाइल तगड़े से तगड़े एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे देगी। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूस का एक और टैंक तबाह होता नजर आया, हालांकि उसने यह हमला किस इलाके में किया यह नहीं बताया गया। लेकिन जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिकों को दुश्मन का एक टैंक अपनी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। ये देखते ही उन्होंने उस पर बमबारी शुरू कर दी। हालांकि पहली बार में निशाना चूक गया, लेकिन यूक्रेन की फौज ने ताबड़तोड़ बमबारी जारी रखी और उनकी रेंज में आते ही टैंक तबाह हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि पल भर में ही टैंक आग का गोला बन गया। वहीं पुतिन के दोस्त और रूस के पड़ोसी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक बार फिर अमेरिका और उसके साथी देशों को आंखें दिखाई और धमकी दी कि अगर उन्होंने यूक्रेन की मदद करनी बंद नहीं की तो तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। बल्कि चेतावनी देती ये चिट्ठी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिख डाली, जिसकी जानकारी बेलारूस के ही मीडिया के जरिए सामने आई। बताया गया कि UN के सेक्रेटरी जनरल को अपने खत में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने साफ साफ कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कोशिश चल रही है वो यूक्रेन की जंग को विश्व युद्ध में बदल सकती है। बेलारूस वो देश है जो पहले दिन से ही रूस के साथ खड़ा है। ऐसे में अपनी चिट्ठी में लुकाशेंको ने यूक्रेन के युद्ध को महज एक क्षेत्रीय विवाद बताया और उसे रोकने की जिम्मेदारी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के कंधों पर ही डाल दी। लुकाशेंको ने अपील की कि सभी देश एक साथ आएं और यूरोप के इस विवाद को एक विश्व युद्ध